अपनी नई नस्ल पे कीड़े निकालने से पहले और नई नस्ल को ब्लेम करने से पहले मैंने इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा। आप जिस बच्चे को कह रहे हैं कि वो क्रिएटिव नहीं है, आप जिस बच्चे को ब्लेम कर रहे हैं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर नहीं ले पा रहा और वो कामयाब नहीं हो पा रहा, खुदारा अपने तालीमी निज़ाम पर भी एक नज़र दौड़ा लें। खिचड़ी पके निज़ाम में आप इस बच्चे को पढ़ा रहे हैं। आपने कभी गौर किया है अपने निज़ाम पर, अपने कल्चर के ऊपर, कि हमारे निज़ाम को भी एक नज़र आप देखें। नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, घरों में पंजाबी चल रही है, पेपर इंग्लिश में आ रहे हैं। इस निज़ाम में आप बच्चे को चाह रहे हैं कि वो क्रिएटिव होकर आपको दिखाए। खुदा के लिए बच्चे की सलाहितों पर शक करने से पहले अपने तालीमी निज़ाम पर भी एक नज़र दौड़ा लें, इसको बेहतर करें। बच्चा बहुत बेहतर है, बच्चा सीखना चाहता है, उसकी घुट्टी में सीखने की सलाहियत मौजूद है। आप उसको सिखा नहीं पा रहे, उसको सिखाने के तरीके मुख्तलिफ उसके सामने प्रेजेंट करें। वो सीखना चाहता है, हम उसे सिखा नहीं पा रहे। खुदारा अपनी नई नस्ल पे कीड़े मत निकालें। हम अपने आप पर भी गौर करें, क्या हमारे पास सिर्फ बीज गलत नहीं है? बीज को एनवायरनमेंट चाहिए होता है जिसमें वो फ्लरिश होता है। क्या हमारा एनवायरनमेंट अप टू डेट है? उस पर भी गौर कीजिएगा।